गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्चिता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वस सुधीर भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हम लोग श्रवण कर रहे हैं अठारहवां अध्याय और अठारहवें अध्याय का आज 52 नंबर श्लोक। विविक्त सेवी लघ्वाशी राग द्वेषो वियुदस्य च यत् वाक काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितं। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम ये 51, 52 और 53 नंबर श्लोक को श्रवण कर रहे हैं। इसमें जो ब्रह्म का अनुभव करने वाले हैं वो किस प्रकार से अपने आप को उस अनुभव के योग्य बना सकते हैं, इस बात को इसमें कहा। ब्रह्म का अनुभव का मतलब ब्रह्म ज्योति की बात नहीं है, यहाँ उस ज्योति के प्रकट करता जहाँ ज्योति जहाँ से प्रकट होती है उस ब्रह्म की बात है। अनुभव जब होता है, एक प्रकाश का अनुभव है जो निराकार निर्विशेष है, एक वस्तु तत्व का अनुभव है जिससे सब कुछ है, अनंत गुण उन्हीं से प्रकट हुए हैं, अनंत शक्तियाँ उन्हीं की हैं, सारी क्रियाओं के कर्ता वही हैं। तो इसलिए उन ब्रह्म को जानने की योग्यता प्राप्त करना कैसे होती है उसके बारे में श्लोक है। आइए 52-53 नंबर 51-53 को द्वारा पढ़ें। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो वयुदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत् वाक् काय मानसः ध्यानयोग परो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निरममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस्त्यक्त्वा
राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेविलघ्वाशी यत् वाक् कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निरममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसके मर्मानुवाद में कहते हैं, विशुद्ध बुद्धि वाला मन को धृति के द्वारा, मन को धृति के द्वारा नियमित करने वाला, शब्द आदि तमाम विषयों का परित्यागी, राग द्वेष रहित, निर्जनवासी, अल्प आहारी, शरीर मन वाणी पर संयम रखने वाला, ध्यान योग और वैराग्य आश्रित, अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह से परिमुक्त, ममता रहित एवं शांत पुरुष ही ब्रह्म का अनुभव करने में समर्थ होता है। विश्वनाथ जी क्या बोलते हैं? बुद्ध्या विशुद्ध्या सात्विक सात्विक क्या आत्मानं मनोनियम्य ध्यानेन भगवत चिंतने नैव यः परो योगस्तपरायण योगस्तत्परायण बलम कामरागयुक्तम न तु सामर्थ्यम अहंकार आदि विमुच्येत विद्योपम विद्योपरमः। शांतः सत्वगुणस्य अप्य उपशांतिम आनीति शांतिमानीति कृत्य ज्ञान संन्यास इत्यर्थ ज्ञानंच मयि सन्यसी सन्येस सन्यसीत इत्या इत्येकादशोक्तै अज्ञान ज्ञानयो उपरम बिना ब्रह्म अनुभा बिना ब्रह्म अनुभवानुपत्ति रीति भाव ब्रह्म भूयाय ब्रह्म अनुभवाय कल्पते समर्थ भवति। कहते हैं सात्विक बुद्धि सात्विक धैर्य द्वारा जो व्यक्ति अपने मन को संयत कर लेते हैं और भगवान का चिंतन करते हुए श्रेष्ठ योग प्रायण हो जाते हैं, अर्थात भगवान का ही आश्रय लेते हैं, वे काम राग से रहित होकर अहंकार आदि का त्याग कर अविद्या से रहित हो जाते हैं। इस प्रकार सत्वगुण की भी जब उपशांति अर्थात ज्ञान का भी संन्यास हो जाता है तब वह व्यक्ति ब्रह्मानुभव के योग्य होते हैं। एकादश स्कंद में कहते हैं ज्ञान भी मुझ में ही संन्यस्त करो, अर्थात ज्ञान को भी मुझ में ही समर्पित कर दो। अज्ञान और ज्ञान दोनों से परे हुए बिना ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता। ब्रह्म भूया एकल्पते तात्पर्य का अर्थ है ब्रह्म अनुभव करने के योग्य होना। देखिए कल हम लोगों ने सुना था बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, जो अपने विषयों से अपनी इंद्रियों को नियम में रख के राग दोष राग और द्वेष से परे हो जाता है, जो विविक्त सेवी अर्थात एकांत वासी है, आज श्रवण करेंगे लघ्वाशी, लघ्वाशी मतलब अति मिता मित अति अल्प भोजन करके संतुष्ट रहता है। बहुत बढ़िया मिला, बहुत ज़्यादा खा लिया और उसके चक्कर में शरीर को तकलीफ हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा, ऐसी स्थिति, वो कहते नहीं, विविक्त सेवी एकांत सेवी एकांत सेवी एकांत में रहने वाला
एकांत वही जहां पे केवल एक कृष्ण के अलावा, एक श्री राधा रानी के अलावा, एक अनन्य निष्ठा के अलावा कोई और ना हो। अनन्य निष्ठा परायण जो भक्त हैं उनका संग ही वास्तविकता में विविक्त सेवी है। ठाकुर जी के प्रसाद को छोड़कर के कहीं भी बुद्धि ना जाए और अपनी वाणी को, शरीर को, मन को, यहाँ पे जो लाइन आई है उसके ऊपर थोड़ा मेरा ध्यान आया था। ध्यान योग, कौन सा ध्यान योग? परो, परम ध्यान योग, श्रेष्ठ ध्यान योग। क्या ध्यान योग भी निकृष्ट और छोटे और बड़े होते हैं जो कि परो लगाना पड़ा? हाँ होते हैं। कहते जिस ध्यान में आपको अपने शरीर का ध्यान करना है वो अधम ध्यान है, जिस ध्यान में आपको शरीर से बाहर जो प्रकृति उसका करना है चिंतन वो भी अधम ही है, जिसको इस प्रकृति से ऊपर प्रकृति किसकी है उसका चिंतन करना वो मध्यम है, और जो इससे ऊपर इस सारे सृष्टि के कर्ता धर्ता जो हैं ब्रह्म उनके चिंतन में बैठता है वह उत्तम है। लेकिन सर्वोत्तम परम ध्यान योग कौन सा है? और ऐसे ही नहीं है कि थोड़ा सा ही है, नित्यम वैराग्यम, नित्य वैराग्य के साथ। वैराग्य का मतलब क्या होता है? नॉर्मली होता है वैराग्य मतलब विराग, बिना राग के, बिना प्रेम के रहना, ये होता है साधारण। और वैराग्य का मतलब वैशिष्ट्य, जो वैशिष्ट जो अनुराग है, अर्थात भगवान में जिनका अनुराग है वो ही वास्तविकता में वैराग्य हैं, वैराग्यवान हैं, वही वैरागी हैं। वही शब्द प्रयोग हुआ, वैशिष्टेन ज अनुरंजिते, ज अनुराग अनुरंजिते, जो वैशिष्ट परम तत्व से अनुरक्त हैं वही वैरागी। तो यहां पर शब्दों को थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। ध्यान योग परो, परम ध्यान योग में जो नित्य भगवान के साथ में, उस परब्रह्म के साथ में राग युक्त है, तब वह समुपाश्रित है। समुपाश्रित का मतलब क्या होता है? समुपाश्रित का मतलब होता है सम्यक रूप से वो उन्हीं के आश्रित हो, संपूर्ण रूप से उनके ही उपाश्रित हो। आश्रित, उपाश्रित, समुपाश्रित, तीन शब्द तीन तरह के भावों को लेके। आश्रित होता है जो डायरेक्ट उसके चिंतन में रहता है, वो कौन है? वो वह है जो अपने आप को उनसे अभिन्न समझता, अहम ब्रह्मस्मि। वो अपने आप को और संपूर्ण सृष्टि को उनसे अलग नहीं मानता, और एक दृष्टि से देखा जाए ये बात पूर्णतः सत्य है, इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी सृष्टि का कण ऐसा नहीं है जो उस ब्रह्म से अलग हो। जब उस ब्रह्म से अलग नहीं, जब उस ब्रह्म में ही सब कुछ है, तो उस दृष्टि से वह अपने आप को आश्रित अर्थात उनका ही एक अंश समझता है। ये होते हैं ध्यान योग से नित्य वैराग्य युक्त होकर के उस ब्रह्म के आश्रित जो होते हैं, ठीक है। और एक होता है उपाश्रित, उपाश्रित होता है उपासना युक्त आश्रित, समझे नहीं? आश्रित, उपाश्रित, जो उपासना से युक्त है और आश्रय में, वो उपाश्रित, वो है उपाश्रित। समझ में आ रहा है? किंचित अगर आपको समझ में आ रहा है तो सामने वालों को तो कुछ नहीं समझ आएगा। इसमें जो
देख रहे हैं। जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो उनको और मुश्किल होगी, इसलिए थोड़ा और सरल रहना पड़ेगा, है ना। साधारण सी बात है, हम कौन सा विषय लेके चल रहे हैं, विषय ध्यान में रखना चाहिए। विषय है ब्रह्म का अनुभव। ब्रह्म का अनुभव किसे होता है? ब्रह्म ज्ञानी को नहीं होता। ले ब्रह्म ज्ञानी को नहीं होता तो किसको होगा? जो ब्रह्म ज्ञानी है अर्थात वशुष्क ज्ञानी, जिसके अंदर ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ है, केवल मात्र ब्रह्म का ज्ञान हुआ है, ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, ज्ञान हुआ है, वो शुष्क ज्ञानी होता है, सूखा हुआ ज्ञानी, रस नहीं है उसमें। वो शुष्क ज्ञानी किसे कहते हैं? जो केवल शब्दों के द्वारा ही जानता है, बस सब ब्रह्म है जी, वेदों में लिखा, उपनिषदों में लिखा, फलाना ढिकाना सब वह ब्रह्म है, ब्रह्म है। ये जो बोलने वाले हैं उनको कोई अनुभव नहीं है। सब ब्रह्म है तो तुम क्या हो? मैं भी ब्रह्म हूं। तो फिर उपासना क्यों कर रहे हो? उपासना क्यों कर रहे हो? फिर ध्यान क्यों कर रहे हो? तुम ब्रह्म हो तो ध्यान क्यों कर रहे हो? सब ब्रह्म ही है तो तुम सब एक ही हो? हां सब एक है। तो एक है तो तुम्हारे विपरीत मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं भी तुम्हारी हां में हां और तुम्हारी ना में ना करूं? तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर तुम्हारे अनुसार क्यों नहीं चल रहा है? जो इस प्रकार से उसका दिमाग जो है चकराता है, तब वो शुष्क ज्ञान में थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो करते हैं ना, खेती में हल चलाता, तो हल चलाना होता है, तो उसको लगता है हाँ भाई बात तो सही, मैं ब्रह्म नहीं हूं। ब्रह्म कौन है? कारण। कारण का मतलब कहते यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानी यवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति विशन्ति तद्विद् जिज्ञास। उसको जानो, उसके बारे में पूछो, पूछो। अरे एक ब्रह्म को बोल रहे हो, ब्रह्म के बारे में पूछो, तब उसका खोपड़ी खुलती है कि ओहो मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं सोहम सोहम जो कर रहा था मैं वो नहीं हूं, मैं उसका आश्रित हूं। जब तक वो आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, इवन की ब्रह्म ज्योति का भी आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। वो शुष्क ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है ही नहीं। ये बात तो इसलिए वह जो व्यक्ति है वो आश्रित है, जिसने मुक्ति को चाहा। किसको चाहा? किसके आश्रित है? भगवान के रूप के आश्रित है, या भगवान के निराकार ज्योत स्वरूप जो है उसके आश्रित है, तभी उसको मुक्ति मिल सकती है। अगर वो आश्रित नहीं, उसे कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं। वो रावण की तरह, कुंभकर्ण की तरह, जहां हिरण्यकश्यप की तरह कहे अहम 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 बलम अहम दर्प अहम सर्वस्व प्रभवा, वो कह सकता है, बोलता रहे, जैसे ही आश्रित होता उसकी मुक्ति का साधन मिल जाएगा। तो इसलिए आश्रित, उपाश्रित, समुपाश्रित, ये शब्दों में थोड़ा सा जो मुझे अनुभव हो रहा है, हालांकि इसका साधारण अर्थ है, समुपाश्रित मतलब अवलंबन करना, आश्रय लेना, लेकिन मुझे कुछ अलग सा अनुभव हो रहा है, वो ये आश्रित का मतलब है। उनके आश्रित होकर के उनकी उपासना नहीं करना, ये केवल आश्रित व्यक्ति को ऐसे बोला जाता, अर्थात उनसे दूर होके, दूर तो कहीं जा नहीं सकता लेकिन फिर भी उनसे दूर होके उनकी सेवा से विमुख रहना, ये आश्रित है। तो इसलिए यहां पे किसकी बात चल रही है? ब्रह्म का अनुभव करने वाले को कैसे रहना होगा? केवल आश्रित नहीं रहना होगा, उपाश्रित रहना होगा, है ना। तो उपाश्रित का एक और अर्थ आता है, जो उनके हैं, जो उनके हैं उनका आश्रय लेना। एक आश्रित है, एक है भगवान का निज जन है, उनकी अनुगत में आश्रय लेना, यह है उपाश्रय।
और समुपाश्रय है उनके साथ विशेष अनुराग के साथ, वैराग्य विशेष अनुराग के साथ उनके जो जन है उनकी सेवा करना, समुपाश्रित सम्यक रूपेण उपासना युक्त हो करके उनके आश्रय में रहना। कहते ध्यान योग परो नित्यम। परम ध्यान तभी हो सकता है जब आत्मा का नहीं, जब ब्रह्म का नहीं, जब ईश्वर का नहीं, परम का ध्यान हो, परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा, जब उनका ध्यान होगा तभी वो ध्यान क्या होगा, परो होगा, है ना। आत्म आश्रय नहीं, आत्म ध्यान नहीं, आत्म ध्यान योग नहीं, ब्रह्म ध्यान योग नहीं, ईश्वर ध्यान योग नहीं। कहते हैं ध्यान योग परो, परमेश्वर ध्यान योग, परब्रह्म ध्यान योग, हैं, परमात्मा ध्यान योग। इसलिए नित्यम, ऐसा नहीं कि आज किया कल को हम वही बन जाएंगे, कल को हमको मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, नित्यम। कई लोग बोलते हैं ना, देखिए भगवान की आराधना किस लिए करनी, परो का मतलब क्या, परमात्मा समझा रहे हैं? नहीं, वो नहीं समझा रहे, उसका अर्थ यहां पे दे रहे हैं जो श्रेष्ठ, जो विक्त लोभाषी ध्यान पर, ध्यान योग के परायण होता है, जो परो का अर्थ ध्यान योग के परायण, ध्यान योग में लगा हुआ, पर का अर्थ ये दिया है। लेकिन ध्यान और योग, योग का अर्थ ही परायण होता है, योग का मतलब युक्त है, जुड़ा हुआ है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है, परो धर्मा परो पुरुषा। तो पर शब्द का अर्थ बहुत से होते हैं, एक ही साथ में बहुत अर्थ होते हैं, यहां पे तो साधारण अर्थ दिया है, ध्यान योग परायण हो लिखा है, हरि चिंतन परायण हो, ध्यान योग परा हरि चिंतन परायण। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी का जो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो अर्थ है उसमें हरि चिंतन परा, और विश्वनाथ जी ने इसे खोला है परो, क्या भगवत चिंतन नहीं या परो, योगस्तत्परायण। वो कहते हैं जो भगवत चिंतन ही वह जो है, भगवान के चिंतन में लगा ही हुआ है, भगवत चिंतनने चिंतनेन एव, भगवत चिंतनेन एव, भगवान के चिंतन में ही जो लगा हुआ वही परो या परो, वो परो है। योगस्तत्परायण ये अर्थ है, ये बात है। इसलिए शब्दों के साधारण अर्थों में अगर जाते हैं तो ठीक है, ध्यान योग परायण जो होते हैं, जो नित्य वैराग्य, फिर उसमें डेप्थ में गहराई में नहीं जा पाते। तो इसलिए नित्य जो भगवान के चिंतन में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणों का, भगवान के कथा का, भगवान के भक्तों के संग में नित्य ध्यान योग परायण होता है। ध्यान योग के दो अर्थ हैं, एक तो यह है कि बैठ करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है, एक है बैठ करके भगवान के गुणानुवर्णन करता है, एक है भगवान की सेवा करते हुए अब अनुभव करने वाले के लक्षणों के अंदर में सीधा, अब वो दूसरे ब्रह्म और उनकी बात नहीं, सीधा गुणों का चिंतन करने से तो लीला का भी चिंतन होता है। हाँ, केवल कई बार गुण के ही चिंतन में डूब जाता है, जैसे करुणामय, तुम्हारी ऐसी करुणा मुझ पे हुई, मैं उस करुणा का सागर जो है उसमें डेप्थ में चल जाता है, और करुणा भगवान के गुण के चिंतन में ही, केवल मात्र एक गुण के ही चिंतन में जीव जो है डूब सकता है अनंत काल के लिए,
अनंत काल के लिए। उसमें कोई लीला आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन जब कीर्ति का वर्णन कीर्तन होता है तो उसमें गुण भी है, लीला भी है, धाम भी है, परिकर भी है, सब कुछ। गुण का अनुभव होना और लीला का अनुभव होना, दोनों में अंतर है। जैसे भगवान गुरुदेव की स्माइल, गुरुदेव हंसे, मुस्कुराए, गुरुदेव मुस्कुराए, ये गुण है गुरुदेव का कि उनकी मुस्कान पे, मुस्कान को देख करके सारे संशय ऐसे दूर हो जाते थे, सारे दुख दर्द खत्म हो जाते थे हमारे। तो उस मुस्कान के ऊपर ही कोई लुट जाए, उसमें ही कोई डूब जाए, विशेष करके भगवान की बात हो रही, तो वह गुणाश्रित हो जाता है, वो भगवान के गुणों में डूब करके गुण सागर में, भगवान के कीर्ति के सागर में चला जाता। एक और वर्णन है गुणानुवर्णन, उसी गुण का वर्णन करने वाला, और जब आता है उस गुण के द्वारा भगवान ने किस किस का कल्याण किया, तब वो लीला हो जाती है, तो लीला वर्णन हो जाता। जब लीला वर्णन होता तो उसमें भक्त भी आते हैं, धाम भी आते हैं, भगवान का संपूर्ण लीला का वर्णन होता। ठीक है, वैराग्य के साथ, विशेष अनुराग के साथ में नित्य हमेशा भगवान के गुण कीर्तन में जो लगा हुआ रहे। और यहां पे समुपाश्रित का अर्थ हम लोग दोबारा से करते हैं। समुपाश्रित अर्थात सम्यक रूप से उपासना युक्त जो वैष्णव जन हैं, भक्त जन हैं, जहां भगवान को जो देखने वाले हैं, उस ब्रह्म का दर्शन करके उनकी सेवा करने वाले हैं, उनके आश्रय में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा पालन करें। आश्रय के दो अर्थ होते हैं। आश्रय का एक अर्थ होता है बस कुछ नहीं करना, हमको खाने को दे दें, पीने को दे दें, उनके आश्रय में, एक तो यह है आश्रय। एक आश्रय का मतलब होता है उनकी सेवा करना, उपासना युक्त आश्रय, समझे नहीं। उपाश्रित का साधारण अर्थ होता है उनके आश्रय में रहना, लेकिन उपाश्रित का गंभीर अर्थ यह है कि उपासना युक्त हृदय के साथ में उनके साथ रहना, उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से उनके साथ रहना, उनकी सेवा करने के उद्देश्य से उनके साथ रहना, ये उपाश्रित। आगे कहते हैं अहंकार बलम दर्प। दर्प और अहंकार में क्या अंतर होता है? अहंकार होता है स्वयं में और दर्प होता है दूसरे में। जहां पर दर्प होता है वो दूसरी वस्तु के ऊपर होता है। जैसे उदाहरण के लिए, ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है जी, तो इसमें मैं तो है ही है, लेकिन वस्तु इतनी सुंदर है, उसके गुण इतने ज्यादा हैं, जहां उसमें महत्वता इतनी है, जिसके कारण मैं अपने आप की महत्वता उसके द्वारा दिखला रहा हूं, वह है दर्प। अहंकार और दर्प एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब अलग शब्द आए तो इसका अलग ही अर्थ होगा। जैसे बल है, खुद में अहंकार है, मैं बलवान हूं, लेकिन मेरे बल के द्वारा ये हुआ है, तो वह मेरी बुद्धि के द्वारा ये हुआ, बुद्धि का बल, शरीर का बल, मेरे योग्यता का बल। दर्प का अर्थ दमन है ना? क्या घुमंड? दर्प का अर्थ क्या है? दर्प का अर्थ है कामम, यहां का ना दर्पम दर्प दिया, दर्प 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 साधारण रूप से होता है जहां पर अभिमान हो, लेकिन यहां अभिमान, अभिमान कहां होता है? जहां अभिष्ट हुआ, आप अभिष्ट हुए, अविष्ट हो करके जहां मान किया जाए वो अभिमान होता है। अविष्ट होने के बाद मान करना वो अभिमान है, वही दर्प है। अहंकार अपने आप में अंदर, ये प्रकट नहीं होता, अहंकार प्रकट नहीं होता, अहंकार रहता है लेकिन वो किसी कार्य के द्वारा सामने आने पर अपने किसी भी तरह का बल
किसी तरह की शक्ति के द्वारा सामने आने पर वह उसमें हमारा अभिनिवेश हो जाए तब वो दर्प होता है। समझ लगे? जैसे मैं बहुत सुंदर हूं, आह कमाल है, और मुंह पे कालक लगी हुई है, इधर काले काले दाग पड़े हुए हैं, बहुत सुंदर हूं, दर्पण के सामने जब जाएंगे तो दर्प रहने नहीं देगा, इसलिए उसका नाम क्या है, दर्पण, ना रहने दे जो दर्प। तो ये अहंकार था, लेकिन ये तब जाके दर्पण में जब दिखलाई दिया तब जाकर के मालूम पड़ा कि दर्प है, ये इतना सूक्ष्म इनका संबंध है। इसके विषय में कल को चर्चा करेंगे। वंशाकर कृपा सिंधु कृता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। बाद में बैठ सकते हैं, फिलहाल समय हो गया। हरि राय नम कृष्ण यादवाय नम, यादवाय माधवाय केशवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाईं करी चरण वंदन, जाहिं ते विघ्न नाश अविष्ट पुराण, ऐसे गोसाईं यार मुई तार दास।